तो नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, वेलकम बैक टू द चैनल, जहां पे हमारा मकसद है टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरी डे। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अरिजीत शाह। तो आज का टॉपिक है लॉजिक में जो फ्लेक्स मोड है उसके ऊपर। फ्लेक्स जो टूल है उसमें काफी सारे एडवांस्ड फीचर्स भी हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारे क्रिएटिव चीजें कर सकते हो। तो ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए लेट्स हॉप इन द स्क्रीन और देखते हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, एक बार मैं आपको सुना दूं। तो यू कैन सी कि यहाँ पे लगभग 91 ट्रैक्स के आसपास में है। तो हुआ ये कि जब मैंने अपने फ्रेंड के साथ में डिसाइड किया कि ये गाना हमको कवर करना है, तो ये एक मेल ओरिएंटेड गाना था और हमने सोचा इसको फीमेल ओरिएंटेड वर्जन बनाएं इसका, एंड उसका प्रोमिनेंट पार्ट्स उसका रहेगा। तो जो ओरिजिनल वर्जन है उसका जो स्केल था दैट वाज सी मेजर। तो उसने अपना गाया अपने कम्फर्ट जोन के हिसाब से, फिर उसने देखा तो उसके लिए सी थोड़ा लो हो जा रहा था। देन शी सेड कि ओके डी मेजर इज फाइन, वर्क्स फाइन फॉर मी। तो हमने डिसाइड किया और वो देखा और फिर हमने उसके ऊपर में म्यूजिक बना दिया। तो एक बार आई रिकॉर्ड करने के लिए और फिर मज़ा नहीं आया हमको, समथिंग वॉज नॉट वर्किंग आउट। उन्होंने कहा शायद उसका गला ख़राब है और समथिंग लाइक, फिर वो चली गई म्यूज़िक। तब तक हमने फिर दोबारा सारा सब कुछ जो करना था सब कुछ करके कंप्लीट कर लिया था। जब वो अगली बारी आई फाइनली, जब हम टेक करने लगे, तो हमने फिगर आउट किया कि ओहो, इसमें एक्चुअल में उसका गले का प्रॉब्लम नहीं था। बेसिकली ये था कि गाने का जो स्केल है वो अभी भी लो था उसकी वॉइस के हिसाब से। तो हमने थोड़ा सा टेस्ट किया, टेस्ट करके देखा कि यार एफ मेजर में वो बेहतर गा रही थी। तो अब म्यूज़िक तो पूरा बन चुका था, 91 ट्रैक्स आप देख रहे हो इसमें है। तो इसमें से ये कुछ वोकल्स के ट्रैक्स हैं 45 तक, बिकॉज ये थोड़े स्प्लिट करके अलग अलग टाइप के साउंड डिजाइन करे गए, बट इसके नीचे ये सारा आप देख रहे हो 46 से 91 तक ये सारा म्यूजिक प्रोडक्शन है। अब इतना सारा म्यूजिक प्रोड्यूस हो गया है तो अब रीडू तो नहीं कर सकते सब कुछ, बिकॉज बहुत वक्त लगता है उस सारी चीज़ें करने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ फ्लेक्स मोड से कुछ अगर ऐसा हो पाए कि आपका ये पिच चेंज हो जाए एंड स्टिल रिटेन सम क्वालिटी। एक तो तरीका ये है कि आप अगर फ्लेक्स मोड को थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको ये हेल्प होगी कि अलग अलग मोड्स का हेल्प से आप जब प्रोजेक्ट को ट्रांसपोज करोगे या स्पीड अप करोगे या स्लो डाउन करोगे तो आपका क्वालिटी लॉस जो है वो मिनिमलिस्टिक। तो इसमें ऐसा ही हुआ। तो ये मैक्सिमम आप जितने ये सारे ट्रैक्स देख रहे हो इसमें आप देख रहे हो कि ये पॉलीफोनिक सिलेक्ट हुआ है बाद में, क्योंकि बहुत सारे हमने ट्रायल एंड एरर किए, मतलब यहाँ पे गए इनको सिलेक्ट करा एंड देन यू गो, और इसके अंदर बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस आते हैं, आप उसमें देखते हो रिदमिक करके देखा, कुछ ऐसा करके देखा। बट जिस तरीके से ये गाना बना है उसके हिसाब से जैसे ये पर्कशंस है ये मोनोफोनिक में या रिदमिक में वैसे ही ठीक लग रहे थे, तो उसको वैसे रहने दिया। बेसिकली हुआ ये भी कि हमने जो पर्कशंस है उनका पिच अप किया भी नहीं था तो उसके लिए फ्लेक्स का जरूरत नहीं पड़ा। बाकी जितना भी मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स है इवन द बेस लाइन, इन सबको पिच करना पड़ा तो हमने इनको पॉलीफोनिक मोड में किया। पर्कशंस और ड्रम्स को अगर करते तो रिदमिक मोड में, अगर हम उनको स्ट्रेच अप स्ट्रेच डाउन करते या पिच अप पिच डाउन करते तो बेहतर रिजल्ट मिलता। इसको ऐसा करने के बाद में आप अगर सिंपली देखोगे कि ये जो ऑडियो है और यहाँ पे इंस्पेक्टर देखोगे +3 हमने इसको ट्रांसपोज किया हुआ है यहाँ पे, इसकी वजह से इसका जो ओरिजिनल जो क्वालिटी है एग्जैक्टली सेम तो नहीं कह सकते कि वैसा ही क्वालिटी रिटेन हुआ है, थोड़ा सा मफल तो आया है, थोड़ा सा वो हुआ है, बट आप काफी हद तक वो पूरा का पूरा रीड्यू म्यूजिक करने से तो ये अच्छा ही था ऑप्शन। जब पूरा कंप्लीट गाना आएगा तो आप देखोगे कि शायद आपको पता नहीं चलेगा कि वाकई में ये ट्रांसपोज आप करके और ऐसा करके बहुत ज़्यादा खास क्वालिटी लॉस हुआ। और मैंने भी बेसिकली अपना म्यूजिक करियर में इतना सालों में इसको रिसेंटली ऐसा डिस्कवर करा कि भाई इतना पावरफुल हो सकता है ये चीज़, तो मुझे लगा कि ये डेफिनेटली आप लोग के साथ में शेयर करना चाहिए। और दूसरा आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने और एक प्रोजेक्ट प्रोड्यूस किया है किसी और एक फ्रेंड के लिए, तो इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं। सच्ची सी है ये तारीफ है दिल से जो मैंने करी है। तो इसमें हो ये रहा है कि एक मेरे को बहुत ही खूबसूरत सा आरपीजीओ का पैटर्न मिला, मतलब बहुत बढ़िया एक VST के अंदर एक पैटर्न था जो बहुत अच्छा चल रहा था, बट मेरे को उसका ना हाफ टाइम वाला इफेक्ट चाहिए था इसमें, और थोड़ा सा स्लॉपी टाइप का वो फील भी आया वैसा, यू नो थोड़ा जो टेप मशीन से थोड़ा सा बनता है उस टाइप का साउंड। तो व्हाट आई डिड कि मैंने इसको ओरिजिनल टेम्पो में ही बजाया, और जैसे कि आप अगर ये वाला आरपीजीओ वाला सेगमेंट देखो और अगर आप ये वाला सेगमेंट देखो, तो बेसिकली ये सेम इंस्ट्रूमेंट का साउंड है बट अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि सिमिलर इसी पैटर्न को हमने जब आगे वाले पैटर्न में यूज़ किया है वहाँ पे इसको हमने फ्लेक्स पिच में जा करके स्पीड इफेक्ट सिलेक्ट किया है, एंड एक हाफ टाइम वाला प्लगइन आता है वो भी
ऑलमोस्ट सिमिलर ऐसा चीज़ करता है, बट इसमें थोड़ा सा और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है हम कर पाए इस तरीके से करने पे। तो एक बार ये आपका पैटर्न लॉक हो जाए तो आप बाकी का जो एलिमेंट्स है उनको बीच में बराबर काट के मूव करने के बाद में आप यहाँ जा कर के ये स्पीड इफेक्ट्स हमने सिलेक्ट किया है और उसके बाद में इसको टाइम स्ट्रेच कर सकते हो। और अगर आप सबको सिलेक्ट करके टाइम स्ट्रेच करोगे तो आप देखोगे कि ये हाफ हो रहा है, और बिकॉज नो ओवरलैप है तो इस तरीके का एक ये अपने आप आपस में कट गया है। वंस दैट हैज़ बिन डन, बेसिकली वो कॉर्ड आर्किटेक्चर को कि सी के बाद डी आया, डी के बाद एफ आया, जो भी आपका कॉर्ड आर्किटेक्चर, उसको रिटेन करने के लिए, क्योंकि ये कट गया है तो उसको वापस आप ऐसे ला सकते हो। ये वापस लाने के बाद में फिर आपके ऊपर है कि आप और एक्स्ट्रा क्या चीज़ करना चाहते हो। तो लेट्स गो बैक टू दिस पार्ट। हम इसमें देखते हैं कि जो नॉर्मल वाला साउंड है उसके साथ में हमने स्पीड इफेक्ट्स का और इस्तेमाल किया है। तो आप अगर इधर जाते हो एंड देन यू सी कि यहाँ पे स्पीड अप वाला ऑप्शन है और स्लो डाउन वाला ऑप्शन है, तो इसमें से हर एक पार्ट को हमने एक कस्टम अटैक और रिलीज दिया है, प्लस कस्टम स्पीड अप एंड स्पीड डाउन। तो इसके लिए स्पीड इफेक्ट्स लगने की वजह से इफ़ यू डोंट हैव दिस स्पीड और ये नॉर्मल फेड इन फेड आउट होता तो ये कुछ ऐसा साउंड करता, और बिकॉज ये स्पीड अप हुआ है एंड देन स्पीड डाउन हुआ है एंड देन जो ऊपर जो वोकल एलिमेंट है या बाकी और भी पीछे साथ में जो एलिमेंट्स है उनके साथ में ये सिंक हो, उसके हिसाब से ये हैंडल्स को थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट किया है। तो दिस इज़ अ वेरी क्रिएटिव वे टू डिज़ाइन साउंड्स। आप अलग टाइप का साउंड लेकर के उसको एक बड़ा ही एनालॉग टाइप का और यूनिक टेक्सचर दे सकते हो जो नॉर्मली आपको नहीं मिलता। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें हमने देखा था कि फ्लेक्स पिच का एडिट करके हम कैसे वोकल्स को या बाकी एलिमेंट्स को ऐसा करके लेके आए। आने वाले वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट मोड्स को डालकर कैसे इसी तरीके से आप स्पीड अप स्ट्रेच डाउन करके, जैसे कि अभी स्पीड अप किया है, किसी भी लूप को आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सेट कर सकते हो, उसको ट्रांसपोज आप ट्रांसपोज डाउन कर सकते हो। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं और इसी वीडियो में आप नए आए हो तो ज़रूर पिछले वीडियोस को देखो। इवन इफ़ यू आर अ एडवांस्ड यूज़र, मुझे पूरा यकीन है कि आपको कुछ ना कुछ आपके मतलब का ज़रूर मिलेगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सपोर्ट द मिशन टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरी डे। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद और नमस्कार।